तो अब हम लोग कॉम्यूटेटर एलजेब्रा के सेकंड पार्ट में हैं, ठीक है। ये वीडियो सेकंड वीडियो है कॉम्यूटेटर एलजेब्रा के ऊपर, क्वांटम मैकेनिक्स के कॉम्यूटेटर एलजेब्रा के ऊपर ये सेकंड वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में कॉम्यूटेटर एलजेब्रा में जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन पर चर्चा की थी, और कॉम्यूटेटर एलजेब्रा कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स को मैंने इंट्रोड्यूस करा था कि जब दो ऑपरेटर्स को हम लोग कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, और उनके प्रॉपर्टीज यानी वो एलजेब्रा कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे, पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर जो है क्वांटम मैकेनिक्स में, उनको उनके बीच कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे। तो जो पोजीशन ऑपरेटर है वो आर, सपोज वो आर कैप है, ठीक है। अब इसके तीन कॉम्पोनेंट्स एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप, ठीक है। अब जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है वो पी, इसको हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग माइनस आयोटा एच कट नेबला लिखते हैं, ठीक है। अब इसका भी पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑपरेटर होगा, तीन कॉम्पोनेंट्स। ये पी एक्स ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस आयोटा एच कट डो बाई डो एक्स, ये माइनस आयोटा एच कट डो बाय डो वाई, और ये पी जेड माइनस आयोटा एच कट ये डो जेड, इसे आप डो भी पढ़ सकते हैं, डेल भी पढ़ सकते हैं और डब्बा भी पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बीच कम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं। तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि आप साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते, तो उसे भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो एक्स कैप पी एक्स कैप को हम लोग पहले ब्रैकेट में डाल दिए, तो ये क्या होगा, एक्स कैप पी एक्स कैप पे ऑपरेट करेगा, फिर माइनस पी एक्स कैप पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। यहां पे हम लोग एक स्टेट फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं अपने ऑपरेशन के लिए, फिर बाद में इसे हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो ये x ये माइनस आयोटा एच कट डो बाय डो एक्स और ये साई, तो ये साई फिर माइनस माइनस आयोटा एच कट डो बाय डो एक्स और यहां पे x साई, तो ये निगेटिव आयोटा एच कट एक्स डो साई डो एक्स, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये आयोटा एच कट पहले इसको लेते हैं तो डो एक्स बाई डो एक्स, ये साई कांस्टेंट, फिर साई को कांस्टेंट रख एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और साई का डिफ्रेंशिएशन, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये डो एक्स बाई डो एक्स वन, यानी हमें क्या मिल गया आयोटा एच कट साई। अब ये साई यहां पर ये साई यहां पर दोनों को ड्रॉप कर देते हैं, यानी एक्स कैप पी एक्स कैप कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर क्या मिल गया आयोटा एच कट। अब अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करें ए कैप बी कैप इक्वल्स टू माइनस बी कैप ए कैप, तो हमें क्या मिलेगा कि पी एक्स कैप और एक्स कैप यानी पी एक्स कैप कॉमा एक्स कैप, ये क्या मिलेगा माइनस आयोटा एच कट मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये आयोटा एच कट आ रहा है, ये जीरो नहीं आ रहा है, है ना। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑपरेटर्स हम लोग लेते हैं कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर और वो वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये ए कैप एंड बी कैप कॉम्यूट विथ ईच अदर, है ना, वो कॉम्यूट हो जाएंगे, यानी हम लोग उन्हें एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने देखा कि एक्स कैप और पी एक्स कैप आयोटा एच कट आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब कि हम लोग पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन एंड मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पोजीशन
इन वाई डायरेक्शन एंड मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन को इवेल्युएट करते हैं। तो ये वाई माइनस आयोटा एच कट दो शाई दो एक्स है ना, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, निगेटिव आयोटा एच कट दो बाई दो एक्स और यहां पे ये वाई शाई, ये हम लोग साई जो लिए हैं ये फिर हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ये अभी ऑपरेशन के लिए लिए हैं हम लोग है ना। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आयोटा एच कट वाई दो साई बाई दो एक्स और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और ये आयोटा एच कट, पहले साई को कांस्टेंट रखते हैं और वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर वाई को कांस्टेंट रखेंगे और साई का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये कट गया और ये कट गया, अब ये बचा, अब दो वाई बाई दो एक्स यानी हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये जीरो यानी ये पूरा ओवरऑल टर्म हमें क्या मिल गया, जीरो। यानी कि ये जो वाई कैप था पी एक्स कैप ये क्या आ गया, ये आ गया जीरो, यानी हम लोग ये वाई कैप और पी एक्स कैप इक्वल्स टू जीरो, यानी हम लोग वाई कंपोनेंट पोजीशन का वाई कंपोनेंट और मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग अगर पोजीशन और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में फाइंड करना चाहें, एक्स डायरेक्शन में अगर फाइंड करना चाहें, तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फाइंड करना चाहें, एक्स कंपोनेंट को अगर फाइंड करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स को फाइंड करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जेड कैप पी एक्स, इसके जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जेड कैप पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे है ना, पोजीशन का अगर जो कंपोनेंट है, मोमेंटम का अगर उस अलग कंपोनेंट है, तो वो कॉम्यूट हो जाएगा और हम लोग उसे एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर पोजीशन और मोमेंटम के सेम कंपोनेंट्स हैं तो हम लोग उसे फाइंड नहीं कर सकते, वो आपस में कॉम्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट इन पोजीशन का एक्स कॉम्पोनेंट और जो हमारा ओवरऑल मोमेंटम ऑपरेटर है उसके बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये एक्स कैप पी, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पी को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये ए कैप कॉमा बी कैप सी कैप, तो ए को बी के साथ फिर प्लस फिर ए को सी के साथ, ए को सी के साथ, तो अब इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज यहां पर करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यहां पर यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप प्लस एक्स कैप कॉमा पी वाई कैप प्लस एक्स कैप कॉमा पी जेड कैप। ठीक है, अब यहां पे देखिए y कैप कॉमा पी एक्स, यानी जब मैंने अभी अभी बताया कि जब हम लोग पोजीशन का जो कंपोनेंट लेंगे, अगर मोमेंटम का हम लोग अलग दूसरे डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो वो कॉम्यूट हो जाएगा और वो जीरो हो जाएगा है ना। तो ये x कॉमा पी वाई ये आपस में कॉम्यूट हो जाएगा, हम लोग इसे एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली फाइंड कर पाएंगे, तो ये जीरो और ये भी जीरो, यानी हमारे पास एक्स पी एक्स आया, यानी ये आयोटा एच कट आया है ना। ठीक इसी तरीके से अगर आप y कैप p निकालें तो ये टर्म जीरो नहीं, मतलब y कैप और px जीरो, y कैप py आयोटा एच कट और y कैप pz जीरो, तो उस केस में भी आयोटा एच कट आएगा। और z लें तो ये इधर वाले दो यानी z कैप px के साथ और z कैप py के साथ जीरो हो जाएंगे और z pz जो है वो आयोटा एच कट दे देगा हमें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन और मोमेंटम के रिलेशंस में अगर हम लोग पी ऑपरेटर का स्क्वायर फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कैप और ये पी कैप और ये पी कैप स्क्वायर है, हम लोग दो बार लिख सकते हैं। अब फिर से आ जाइए पिछले वीडियो वाले प्रॉपर्टीज में, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट था, तो हम लोग पहले इसको लिए थे, इसको साइड में रखे थे, फिर इसको साइड में रखे थे और
इसको लिए थे, है ना, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम लोग पहले x को लेफ्ट साइड वाले p के साथ लेते हैं, तो राइट साइड वाले p को हम लोग बाहर निकाल दिए, फिर प्लस x को राइट साइड वाले p के साथ लिए और लेफ्ट साइड वाले p को बाहर निकाल दिए। अब इस प्रॉपर्टी, ये जो रिलेशन हमारे पास आया है, इसका यूज करकर ये आयोटा एच कट पी कैप फिर प्लस पी और ये आयोटा एच कट, यानी हमारे पास क्या आ गया, टू आयोटा एच कट पी कैप। अब अगर हम लोग एक्स कैप कॉमा पी क्यूब निकालें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कैप पी स्क्वायर और ये पी, क्योंकि हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए x कैप p स्क्वायर और ये p क्योंकि राइट साइड में है तो इसको बाहर निकाल दिए राइट साइड, फिर x कैप कॉमा p कैप, अब p स्क्वायर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में बाहर निकाल दिए, फिर ये x कैप p स्क्वायर, तो x कैप p स्क्वायर ये रिलेशन, तो एक्स कैप पी कैप की वैल्यू टू आयोटा एच कट पी कैप, तो ये टू आयोटा एच कट और ये पी कैप और ये पी कैप यानी पी कैप स्क्वायर प्लस यहां पर पी कैप का स्क्वायर और एक्स कैप पी कैप, तो एक्स कैप पी कैप की वैल्यू आयोटा एच कट, तो ये आयोटा एच कट यानी ये वैल्यू क्या आ गई, थ्री आयोटा एच कट पी कैप का स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल इसे जनरलाइज करें तो x कैप p कैप टू द पावर n, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर x कैप p स्क्वायर था, है ना, तो ये 2, ये स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 आया और p पे पावर 1 हो गया, है ना, यहाँ पे स्क्वायर था। अब यहां पर इसमें ये p का पावर 3 था, यहाँ पे 3 आया और p का पावर 2 हो गया हमारे आंसर में, है ना, और ये आयोटा एच कट यहाँ भी सेम, आयोटा एच कट यहाँ भी सेम और आयोटा एच कट यहाँ भी सेम। अब यहाँ पे आयोटा एच कट के साथ कुछ दिख नहीं रहा लेकिन ये यहाँ पर 1 आया, है ना, और यहाँ पे पी कैप का पावर 0, है ना, पी एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो इसे अगर हम लोग जनरलाइज करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एन आयोटा एच कट p कैप पे पावर n माइनस 1। अब जैसे यहाँ पे p पे पावर 1 था तो 1 आयोटा एच कट p पे पावर 0 यानी सिर्फ आयोटा एच कट मिला, अब यहाँ पे पावर 2 था तो 2 माइनस 1 यानी 1 और यहाँ पे 2 तो यानी 2 आयोटा एच कट p, अब यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये 2 और ये 3 आयोटा एच कट p स्क्वायर, ये आया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा पोजीशन और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, कॉम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग पोजीशन और मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो में हमने पोजीशन और मोमेंटम के बीच का रिलेशन देख लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग पोजीशन का एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन देखेंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आए हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और ये सारे वीडियो, ये वीडियो की पूरी सीरीज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वो कम्यूटेटर एलजेब्रा के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप चेक कर के कम्यूटेटर एलजेब्रा के ऊपर सारे वीडियोस देख सकते हैं, कम्यूटेटर एलजेब्रा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मैं सारे वीडियोस अपलोड करूंगा। सो उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।